विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की। कि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। आप जब कुछ भी नहीं करते तब भी कर्म कर रहे हो, जब आप कुछ भी नहीं करते तब भी आप कर्म कर रहे हो, उसका भी फल आता है, उसका भी फल मिलता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें, न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं उनसे मुक्ति, ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे, यह ईश्वर से कहेंगे। हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है, उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमजोरियां पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियां रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमजोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है, सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश हीलिंग लाइट सब पर छा रही है, सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है, सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें
और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले, प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है, सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे, सभी मिलकर अपने शब्दों में अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें, जो भी आपको फील होता है, सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें, प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है, ध्यान
और प्रार्थना के द्वारा उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्रेम का कानून बड़ा कैसे है? तो पहले समझो कर्म का कानून, शॉर्ट में समझ लो क्या है कि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। आप जब कुछ भी नहीं करते तब भी कर्म कर रहे हो, जब आप कुछ भी नहीं करते तब भी आप कर्म कर रहे हो, उसका भी फल आता है, उसका भी फल मिलता है। परीक्षा में विद्यार्थी ने पढ़ाई की तो उसका फल आता है, पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई का कर्म किया ही नहीं तो बोले मैंने तो कर्म किया ही नहीं, अभी फल भी नहीं आएगा, तो क्या फल आता है? फेल की रिजल्ट आती है। कर्म दोनों में हुआ, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी कर्म हो रहा है, जब आप निर्णय लेते हैं कर्म होता है, जब आप निर्णय नहीं लेते तब भी कर्म होता है। निर्णय न लेने का फल आता है, करने का भी फल आता है, न करने का भी फल आता है, लेट करने का भी फल आता है। जब आप लेट पहुंचे किसी जगह पर, लेट पहुंचे तो उसका भी फल आता है। लेट गए थे, सो गए थे, लेट गए थे तो उसका भी फल आता है। कर्म चलेगा ही, कोई उसको रोक नहीं सकता। कर्म के कानून को थोड़ा सा समझ रहे हम। और बाहर से दिखने वाला कर्म रिजल्ट देगा या उस कर्म के पीछे जो भावना है, जो भावना विचार नियम का अंग है, खुशी की भावना, दुख की भावना, द्वेष की भावना, नफरत की भावना, भावना कौन सी है कर्म के पीछे, वो फल देती है। एक जज है, किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो क्या उसको उसका गलत परिणाम मिलेगा? जज ने फांसी दी तो आप बोलेंगे हत्या हो गई, ये तो कैसा फल आएगा उसको? बुरा फल आएगा? नहीं, क्यों? जज की भावना क्या है वहां पर? इंसाफ की भावना, इंसाफ की भावना। आपके अंदर भावना क्या हो? क्षमा साधना के साथ क्या होती है भावना? इंसाफ, इन अंदर साफ, अंदर पूरा साफ हो जाए। बाहर की घटना आप देखोगे कि कुछ ऑफिस में काम अटक गया, प्रोजेक्ट रुक गया, घर में कुछ रुक गया, किसी की एंगेजमेंट नहीं हो रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, ये जब आप देखते हो और मन में ईश्वर से क्षमा मांगते हो कि इन सबके लिए जो भी उस समस्या में इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, फॉरगिव अस, हमें क्षमा करो, उसमें आपको कितने लोग दिखते हैं? चार लोग दिखते हैं तो पांचवे आप, क्योंकि आपको दिख रहा है पांचवे आप, पांचों को माफ करो और सबसे पहले मुझे, सबसे पहले मैं। जब आप ऐसे क्षमा मांगते हो तो क्या मिरेकल होने वाला है, आपको आश्चर्य होगा। जो लोग करेंगे ये, वो समस्या जो अटकी हुई थी वहां से हिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये क्षमा मांगते रहे तो आप क्या कर रहे हो? जो अटकाव था उसको तोड़ रहे हो, वो कार्य होने लगता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।